भाजपा नगर इकाई की ओर से बरमोरिया पंचायत के गपई गांव के हरिजन टोला में एक चौपाल लगाया गया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा 8 साल में किए गए कार्यों को जन चौपाल के माध्यम से लोगों को बताया गया। कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान ने बताया कि विगत 8 साल से देश नरेंद्र मोदी की सरकार में नई ऊंचाइयों के शिखर पर लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार द्वारा 8 साल बेमिसाल के तहत काम किया गया। बताया गया कि जीवन की सुगमता प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, इसलिए इसे आगे बढ़ाना एवं लोगों के बीच तक पहुंचाना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, पीएम मुद्रा योजना एवं पीएम कौशल विकास योजना के बारे में लोगों के बीच जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं व पुरुषों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण योजना चलाकर गरीबों के लिए काम किया है। मौके पर अनुसूचित आयोग के चेयरमैन शिवधारी राम, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश चौपाल प्रभारी रंजय भारती, प्रकाश दास, गोविंद तुरी सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। आज इस गप्पे की पावन भूमि पर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के केंद्र सरकार के 8 साल के निमित्त जन चौपाल कार्यक्रम यहाँ लगाया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है, 2 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। उसी के निमित्त ये कार्यक्रम गिरिडीह जिले में भी गप्पे में रखा गया। पहला कार्यक्रम माथाडी में हुआ था, वहाँ के नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में। इस कार्यक्रम में यहाँ पे नकुल तुरी जी, गोविंद तुरी जी, प्रकाश जी सहित के नेतृत्व में हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे SC आयोग के चेयरमैन, प्रथम चेयरमैन आदरणीय शिवधारी राम जी उपस्थित हुए, और इस जन चौपाल कार्यक्रम के पूरे झारखंड के प्रभारी और प्रदेश महामंत्री भाई रंजय भारती जी उपस्थित हुए। तो इसके लिए हम उन लोगों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मोदी जी के कार्यकाल का 8 वर्षों में जो उन्होंने कार्य किया है, उससे हम लोगों जन संवाद करके यहाँ के नागरिकों से जानना चाहा और सबसे राय लिया, तो सभी लोगों ने बोला कि प्रधानमंत्री आवास भी मिला है, इज्जत घर भी मिला है, आयुष्मान कार्ड योजना का भी लाभ ले रहे हैं, और खाद्यान्न का योजना भी मिल रहा है, खाद्यान्न योजना का भी लाभ मिल रहा है सारे, और सभी ने वैक्सीनेशन लगा लिया, वैक्सीन लगाने का सारे लोगों ने काम किया है। उसी तरह से हम अपने इस पूरे देश भारतवर्ष में जैसा कार्यक्रम चल रहा है, उसी के निमित्त हम लोगों ने इस कार्यक्रम को पूरी जानकारी रूप से रेखा रखी।